है, उलझी हर पहेली है, हल तुम्हें बताना है। उलझी हर पहेली है और हल तुम्हें बताना है, बताना है, बताओगे ना? उठा रहा सीधा हाथ और ताली बजाओगे, 1 2 3। पहेली नंबर चाय के चक्कर में भूल जाओ पहेली भी। पहेली नंबर एक, पहेली नंबर एक, पहेली जिसका भी पता हो वो अपना हाथ उठा करके बता देगा, ठीक है ना? मैं समझूंगा हाँ पहेली उन्हें पता है। पहेली नंबर एक सुनिए, उल्टा पढ़ो दबा के, उल्टा पढ़ो या सीधा, उल्टा पढ़ो या सीधा, नाम एक जैसा है। अब बोलो, उल्टा पढ़ो या सीधा, नाम एक जैसा है। उल्टा पढ़ो या सीधा, नाम एक जैसा है। उल्टा पढ़ो या सीधा, नाम एक जैसा है। तुमको उस भवानी के, तुमको उस भवानी के नाम को बताना है। पहेली नंबर एक, उल्टा पढ़ो चाहे सीधा, नाम एक जैसा है और तुमको उस मैया के नाम को बताना है। पता है किसी को? हाथ उठा के बताओ, बताओ तो। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। चलो मैं एक छोटा सा हिंट, छोटा सा हिंट मैं दे रहा हूं। उस मैया का शक्तिपीठ मंदिर दिल्ली के अंदर है। बल कालका मैया की, किसने बताया? इधर से आवाज आई, आप खड़े हो जाओ, दरबार से प्रसाद देकर के आओ भाई। एक बार ताली हो जाए जी इनके लिए, एक बार ताली हो जाए इनके लिए। भैया मोबाइल अभी ना, मोबाइल भैया, पांच मिनट भैया मोबाइल, 5 मिनट पहली पे मोबाइल नहीं, प्रसाद दिया प्रसाद दरबार से भाई। एक बार ताली तो बजाओ इनके लिए। उल्टा पढ़ो चाहे सीधा, नाम एक जैसा है, तुमको उस मैया के नाम को बताना है। उस मैया का नाम माता कालका, बोल कालका मैया की, सच्चे दरबार की। अब पहेली नंबर, भाई भक्तों को बतानी पड़ेगी पहेली नंबर, चाय के चक्कर में लग रहे सारे। पहेली नंबर दो, उठा दो ना हाथ और दोनों हाथ करिए, 1 2 3। चलिए चाय बांट दो, चाय बांट दो। पहेली नंबर दोगुन से पूछूंगा चाचा, पहेली नंबर दो सुनने, ये भी चाय ना बांट रहे सुनने, ये भी मोबाइल के चक्कर में, ये भी पहेली नंबर दो सुनिए। पीले 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 कपड़ों में भक्त जाके दर्शन को, पीले पीले कपड़ों में दर्शन को, तुमको उस भवानी के, तुमको उस भवानी के नाम को बताना है। पता है तो हाथ उठाओ, जिन्हें पता है 1 2 3 4। हाँ जी बताइए। नगर कोट, आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। गलत कैसे है मैं बताऊंगा। पीले पीले कपड़ों में भक्त जाते दर्शन को, तुमको उस भवानी के नाम को बताना है। आप बता रहे स्थान का नाम नगरकोट,
जी कांगड़ा देवी, आपका उत्तर बिल्कुल गलत है, क्योंकि नगर कोट है स्थान और कांगड़ा है जिला। नगर कोट है स्थान और कांगड़ा है जिला। अच्छा एक सवाल है मेरा, भक्तों से ये बताएं, एक सवाल है मेरा, सुनो एक सवाल है मेरा, यहां से नगर कोट कौन कौन गए हाथ उठाओ, जो नगर कोट गए हैं, तुम्हें कसम है मैया की, जो नगर कोट गए हाथ उठाओ, कौन कौन गए हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात, नगर कोट गए हैं लेकिन मैया का नाम नहीं पता, मैया का नाम नहीं पता। मंदिर के बाहर बड़े बड़े लक्ष्मी लिख रहे हैं, मात पता है, पता है, हरी 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 बताओ, माता ब्रजेश्वरी देवी, एक बार ताली बजाओ भाई साहब के लिए, दरबार से प्रसाद ले जाओ, आ जाओ, बड़े ज्ञानी धनी भक्त बैठे, आज मोबाइल जाएगा मेरा पास भी पे, पास भी पे, ठाकुर तो गयो पास पे, सारे पक्के पे, आ जाओ दरबार से प्रसाद दे, बोलो सच्चे, एक बार ताली बजाए बड़े भैया के लिए, कह दो सच्चे दरबार की जय, दुर्गा मैया की जय। बाबूजी बाबूजी आपका शुभ नाम पुनीत चौधरी साहब के लिए एक बार ताली हो जाए, एक सवाल पूछूंगा आपसे मैं, ये बताओ पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, पांच नदियों का नाम, भाई एक बार दोनों हाथ की ताली हो जाए, दोनों हाथ की तालियां, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हर किसी के बस की नहीं है, बहुत से बताते सरदार रहते हैं उसके अंदर, बहुत से बताते हैं कि पंजाबी रहते हैं, लेकिन पांच नदियों के संगम से बना है पंजाब, इसलिए पंजाब का नाम, एक बार और मत्था टेक करके आए दरबार में, एक बार ताली हो जाए बड़े भैया के लिए, चौधरी चौधरी साहब के लिए, चौधरी 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 परिवार में इतना ज्ञान, हाँ हाँ बड़े धन्य है ब्रजवाला भैया की। आइए अब पहेली नंबर, पहेली नंबर, पहेली नंबर, ये पहेली बच्चों बच्चों की है, क्योंकि बच्चे भी आज अपनी एक नींद को त्याग करके मैया के दरबार की सेवा करने के लिए बैठे हैं, ये आसान पहेली है बच्चों बच्चों की, बड़ा कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना, दोनों हाथ आओ और ताली पकड़ के, वन टू थ्री फोर, जय भवानी, सादा कर दो, पहली नंबर तीन बच्चों बच्चों की पहली है, सुनिए सादा ही रहने दो, बेलपात्र शिव जी को, बेलपात्र शिव जी को, तुलसी डलो विष्णु जी को, बेलपात्र शिव जी को, तुलसी डलो विष्णु जी को, बेलपात के पत्ते किसको चलाते हैं, कौन से किसको चलाते हैं जी, शिव जी को, भोले बाबा को, कह दो हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम 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 बम, भोले बेलपात के पत्ते चलाते हैं भगवान शिव जी को और तुलसी दल के पत्ते चलाते हैं विष्णु जी को। अब तुम्हारा सवाल आ गया, जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे, ठीक है ना, गणपति को जय हो गणपति को, जय हो गणपति को, जय हो गणपति को, गणपति को क्या चढ़ाए, गणपति चलते रहो, गणपति को जय हो गणपति को, जय हो गणपति को क्या चढ़ाए, तुमको ये बताना है, हो गणपति को क्या चढ़ाए, अरे तुमको ये बताना है, जिन्हें पता है वो हाथ रहो पहले, बच्चों बच्चों के सवाल है, बच्चों बच्चों के सवाल, एक दो तीन आ जाओ बड़ा, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, विवेक भाई पहले उनसे पूछो, बड़ा जल्दी आ जाओ, इन दोनों से ये जूते साइड में उतार दो, मेरे पास आ जाओ, यहाँ आ जाओ पहले, तो भैया इनके पीछे आ जाओ, भैया के पीछे आ जाओ, आप अभी पीछे आओ, आपका नाम प्रणव, आप साइड में हो जाना, पीछे हो जाए, आप पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में, फर्स्ट में, एक सवाल आपसे करेंगे, ठीक है ना, आपके स्कूल के अंदर दो कमरे, कितने कमरे, दो, एक के अंदर लकड़ी और एक के अंदर अखबार, एक के अंदर लकड़ी, दूसरे के अंदर अखबार, अखबार, उन दोनों कमरों में आग लग जाती है, दोनों कमरों में आग लग,
आग लग जाती है। एम्बुलेंस आएगी सबसे पहले कौन से कमरे की आग बुझाएगी, लकड़ी वाले या अखबार वाले, कोई नहीं बताएगा। अखबार वाले। अखबार वाले। अब इनसे ये पूछो, एम्बुलेंस आग बुझाती है, मरीज होती है, एम्बुलेंस क्या करती है? आग बुझाती है। एम्बुलेंस क्या करती है? आप इनके ताऊ हैं? आपके ताऊ क्या करते हैं? अच्छा ये बताओ, गणेश जी को क्या चढ़ाएं? मोदक। मोदक। एक बार ताली बजाओ बच्चे के लिए, जाओ ले आओ मोदक, आ जाओ। आपका नाम? देव। देव, देवों के देव, महादेव। अच्छा आप पढ़ते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? फिफ्थ। फिफ्थ में। कितने साल से पढ़ते हैं फिफ्थ क्लास में आप? मेरी एज 12 साल है, मैं हाइट बढ़ गई है मेरी। नहीं, अरे अच्छा इनकी हाइट बढ़ गई है। आर्मी में, आर्मी की कंपटीशन। कह दो सच्चे दरबार की, मेरी एज कम है लेकिन मेरी हाइट बढ़ गई है। कोई बात नहीं। अच्छा एक सवाल आपसे करेंगे, ठीक है ना भाई, एक बार जयकारा हो जाए। अंबे मैया की, सच्चे दरबार की, काउंटिंग दोनों दोनों हाथ ऐसे करो, दोनों हाथ सीधे हाथ दोनों। ये है तराजू। क्या है? तराजू। तराजू। इस हाथ में एक किलो लड्डू, एक किलो लड्डू। इस हाथ में एक किलो कॉटन रुई, कॉटन रुई। वजन किसका ज्यादा है, लड्डू का या रुई का? अभी सुन लो, अभी सुन लो। भाई साहब, आपके पास ही आ रहा हूं मैं। वजन किसका ज्यादा है, लड्डू का या रुई का? लड्डू का। जियो जियो। एक किलो लड्डू और एक किलो रुई, वजन किसका ज्यादा है, लड्डू का या रुई का? बराबर। तो लड्डू का क्यों बता रहे हैं आप? विवेक भाई, इनसे इनसे काउंटिंग करा लो, गिनती आती है इन्हें। अब ये बताओ, गणेश जी को क्या चढ़ाएं? मोदक। आप भी लिया प्रसाद, जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा आपका नाम क्या है? शौर्य। आप पढ़ते हैं? ये गिनती आती है, एक दो तीन चार गिनती आती है, ठीक है। मैं फैमिली मेंबरों के नाम गिनूंगा और आपको गिनती गिननी है। सीधे खड़े रहो मित्र, ऐसे। पापा एक, एक। मम्मी दो। अरे तुम क्यों हंस रहे हो जी? सुनो शुरू शुरू से, शुरू से शुरू से, अरे शुरू से सुनो, हंसो मत ना, ठीक है ना। शुरू से। पापा एक, मम्मी एक। आ गया, समझ में आ गया। कहते सच्चे दरबार की, अच्छा गणेश जी को क्या चढ़ाएं? मोदक। इनका भी मुझे जाओ, देख जाओ। बोलो सच्चे दरबार की, बच्चे बड़े मन के सच्चे होते हैं, बच्चे बड़े मन के सच्चे होते हैं, बड़े खुश नसीब वो घर जिनके घर ऐसे ऐसे दो चार दर्जन बच्चे होते हैं। प्रेम से बोलो। आइए अब पहली नंबर, मैं भूल गया, पहली नंबर चार। दोनों हाथ आओ और ताली बजाओ, वन टू ही हा। सुनिए, ये पहेली मेरा विश्वास सभी को आती है, मुझे पता है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके। मंत्र ये अधूरा है, जय हो जय हो, मंत्र ये अधूरा है, बताना है। पहली नंबर चार, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधि के, मंत्र ये अधूरा है। पता है किसी किसी को मंत्र? बस एक को ही पता है, बस दो तो तुम तो पता है भाई, पता है आपको? ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो आप अपने यहीं खड़े हो जाओ, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, अरे खड़े यहीं खड़े हो जाओ, बैठ के बताओगी? ठीक है, सादा कर दो, बिल्कुल सादा,
ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधि के मंत्र ये अधूरा है। ये मंत्र शुरू से सभी को बताएं, माइक मेरे हाथ में क्योंकि माइक में करंट है, ठीक है ना। शुरू से बताएं, शुरू से। सही है जी, एक बार ट्राई और करो शुरुआत में। हाँ थोड़ी सी भसूड़ी सी हो गई शुरुआत में ना, सही तो है। हाँ इनके तो भजन कैसे भी हो, हाँ वो करके पूरा ही कर देना। हाँ ये बात बोला ज्वाला भैया की। आप खड़े होकर दरबार से प्रसाद लेकर के आओ। सुनो मुझे पता है ये मंत्र सभी को आता है, लेकिन आने में बोलने में, इस माइक में बोलने में शर्माते हैं। अरे इसके दरबार में क्या शर्माना, इसके दरबार में जिसने करी शर्म उसने हलवा खाया गरम। सच्चे दरबार की आओ जी, दोनों हाथ धो करके और ताली करके 1 2 3 अंतिम पहेली है। इस पे क्या मिलेगा, इस पे क्या मिलेगा? हाँ मुंह धो लो, मोबाइल मिलेगा। ये तो एक लालच दिया जाता है भक्तों को, क्योंकि भक्तों का ध्यान भजन में लगा रहे, तो लालच दिया जाता है ये तो। लेकिन सुनो फिर भी कोशिश करते हैं। देखो जी मोबाइल है, लाओ जी मोबाइल। मोबाइल है एक और भक्त है अनेक। जिसका हाथ सबसे पहले उठा उत्तर उसका बिल्कुल ठीक हुआ, मोबाइल उसको दिया जाएगा। और जिसने गलत बताया दूसरा मोबाइल लिया जाएगा। नहीं उसने मोबाइल ना लिया जाएगा, उनसे 1100 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। ये बात ठीक है ना। जब मैं मोबाइल लगा रहा हूँ तो आप 1100 भी ला सकते हो, ठीक है ना। आओ जी अंतिम पहेली है, 1 2 3 पहली नंबर अंतिम पहले 5 सुनिए सादा रहने दो। स्वर्व ताल की दाता बुद्धि देती जो माता। अब बोलो स्वर्व ताल की दाता बुद्धि देती जो माता। स्वर्व ताल की दाता बुद्धि देती जो माता। सर्व ताल की दाता बुद्धि देती जो दाता। तुमको उस भवानी के जय हो जय हो। तुमको उस भवानी के जय हो। अभी मेरी पहेली आधी है। हाँ आधी है मेरी। स्वर व ताल की दाता, छोटू हाथ उठाने से पहले सोच लियो 1100 भी देने। बहुत ज्ञानी धनी लोग बैठे। स्वर व ताल की दाता बुद्धि देती जो माता। तुम ओए सुन तो लो, अभी मेरी आधी पहेली है। स्वर्व व ताल की दाता बुद्धि देती जो माता। तुमको उस भवानी के नाम शक्तिपीठ जन्म स्थल को बताना है। अब बताओ इसी बात के पैर। मुझे पता है सभी को नाम पता होगी, लाओ इन्हें मोबाइल का कवर दे दो। मुझे पता है सभी का उत्तर होगा शारदे माँ सरस्वती माँ। लेकिन कहाँ रहती है? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, मेहर शहर जिले में, जिनका नाम है मैयर वाली माता। शारदे मैया का एक शक्तिपीठ मंदिर एमपी के अंदर है और इनका जन्म स्थल जम्मू कश्मीर के अंदर। एक बार ताली बजाओ उस माँ के लिए। कहते सरस्वती मैया की जय, मैयर वाली मैया की जय। मेरी हाजिरी में जरा सा भी आनंद आया है, मेरी हाजिरी में जरा सा भी आनंद आया है, तो एक बार ताली हो जाए इस मैया के लिए। दोनों हाथ ताली बजा। हाँ जी कुछ कह रहे हैं।